हे गाइस, तो जैसा कि कल मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन व्लॉग डाला था, नहीं व्लॉग नहीं, शॉर्ट्स डाला था, तो आज हम जा रहे हैं ट्रैम्पोलिन पार्क। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हमें दिया गया पेयर ऑफ सॉक्स, जिसमें वो सॉक्स ग्रिप वाला था, इसलिए दिया गया था। यहाँ पे बहुत सारे स्टाफ थे और लाइट भी जल रहा था एकदम डीजे वाला, एंड गाना भी मस्त बज रहा था। मैं तो सीधे गई और कूद गई क्यूब्स वाला में, क्योंकि मैंने ऑनलाइन देखा था। इसमें पता है बहुत मज़ा आता है, मेरे को सच्ची में बहुत मज़ा आया यहाँ पे ना। मैंने सोचा कि मैं अंदर में गुम हो जाती हूँ, बट मैं जैसे गुम होने गई मेरे से हो ही नहीं पाया। एंड आपको पता है मैं इसमें फर्स्ट गई थी। यहाँ पे एक क्लाइंबिंग वाला भी था, हम लोग को वहाँ पे ऊपर जाके कूद जाना था। और जैसा मैं मतलब ये जो क्यूब आया था उसमें से निकलने का ट्राई कर रही थी, पर मैं निकल ही नहीं पाई थी। और वहाँ के भैया को मतलब स्टाफ को बोला मैंने, मेरे को उठा, वो उठा था, फिर धक्का दे रहा था, मज़ा आया। उसके बाद बोलते हैं चलो इस बार उठाइए, मैंने बोला नहीं इस बार मैं विश्वास नहीं करूँगी। तो देखिए इस तरीके से हम लोग को ऊपर चढ़ना था जैसे मैं चढ़ रही हूँ। और ये जो सॉक्स था ना, इसमें बहुत बढ़िया से ग्रिप था, तो हम लोग ये जो रोल वाला जो था नहीं, इस पर एक लाइक एक ऐसा रोल वाला बना हुआ था, उसको क्रॉस करना था, वो इस पर बढ़िया से ग्रिप बन जा रहा था, लेकिन पैर रखते ही मुड़ जा रहा था। मैंने इसको ट्राई किया बहुत बार, तो आखिरी में जाके हुआ, बीच में तो मुझसे हो ही नहीं रहा था। फाइनली इतनी जद्दोजहद के बाद मैंने इसको क्रॉस कर दिया। इतना मुश्किल था ना, और फिर इसमें बैठ के क्रॉस करने वाला था। क्रॉस तो हुआ नहीं, लेकिन मैं बैठ जरूर है, बैठ गया। मैंने मस्त इस पर खेला बहुत। मैं ट्राई की क्रॉस करने का, बट नहीं हुआ। एज यू कैन सी मैं बहुत बुरी तरह से गिर गई, मैं फेल हो गई। एंड यहाँ पे एक ब्रिज था, उसको हम लोग को क्रॉस करना था। तो ये मुझसे फर्स्ट बारी में तो नहीं हुआ, बट ये थोड़ा सा इजी था, तो मैंने सेकंड टाइम में तो कर लिया। इस वजह से वो ब्रिज वाला तो नहीं हुआ, बट ये वाला मैंने एक बारी में कर दिया। एंड देखो यहाँ पे बैनर भी लगा हुआ था गेट क्रेजी का, जिस पे मैंने फोटो भी क्लिक करवाया। फिर मैंने ना कंबाइन वाला लिया था, तो उसमें क्या था कि एक सॉफ्ट वाला था, एक ट्रैम्पोलिन था। सॉफ्ट वाला किड्स के था, तो ये सॉफ्ट वाला है, और अभी जो मैंने पहले दिखाया वो ट्रैम्पोलिन वाला था। ट्रैम्पोलिन आप अडल्ट के लिए यूज़ कर सकते हो, या फिर लाइक मेरे एज के। इस पे मैंने ट्राई किया, इतना ज़ोर से घूमी ना मैं, मेरे को तो चक्कर आ गए। हाँ, तो ये था बॉल वाला, इस पे सॉफ्ट बॉल नहीं थे। मैंने कूदा तो थोड़ा मोड़ा चोट लगा, बट बहुत मज़ा आया। मैं अंदर गई तो मैं सोचा गुम हो जाती हूँ, एकदम अंदर में दब जाती हूँ, तो मैं अपने हाथ से खुद से साइड से डाला, बट गुम नहीं हो पाया। ऑफकोर्स अकेली थी तो कैसे होता, तो मतलब मेरा पैर और मेरा बाल दिख रहा था। जब बॉल डाइविंग करते हैं तो मैं उधर गई, एंड वहाँ से मैं भागते हुए एंड कूद गई। हाँ, इसमें बहुत मज़ा आया था। ये देखो मेरा फोटो, मेरा मुंह और मेरा पैर तो दिख ही रहा था ढकने के बाद। तो यहाँ पे थी एक छोटी सी बच्ची, जिसको मैंने बोला कि बाबू मेरे को कवर कर दो, जिसने बहुत बढ़िया से मेरे को कवर किया। मेरे को मैं अंदर गई तो मेरे को डर लग रहा था, बट फिर मैं भूख की और बाहर आ गई। निकलो, देखो आ गई ना। एंड पता है आप इस क्यूब वाले में जाते तो आप उठ ही नहीं पाते। मैं ट्राई करी थी, पर मैं उठ ही नहीं पाई। तो ये था सॉफ्ट वाला, मतलब किड्स वाले एरिया का था। इसमें स्लाइड मतलब इसमें राइड्स नहीं थे, इसमें बस स्लाइड्स थे और कुछ बॉल था। तो यहाँ पे था एक बाउंसिंग बॉल, पता नहीं मैंने क्यों। ये एक टनल था जिससे हम लोग को जाना था एंड स्लाइड करना था। तो आप देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे नीचे बॉल है, यही था किड्स का। सो मुझे आया बहुत मज़ा। अगर आप रहते हो पटना में तो आप यहाँ जा सकते हो, गेट क्रेजी नाम से है। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना, एंड आप प्लीज़ जाना। ओके, बाय बाय।